आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका संधि। संधि क्या है? तो देखिए, संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियों का मेल होता है तो परिवर्तन होता है। जैसे पुस्तक जमा आल्य बराबर पुस्तकालय, ए जमा आ बराबर आ, गण जमा ईश बराबर गणेश, ए जमा ई बराबर ए। उपर्युक्त उदाहरणों में दो ध्वनि में मेल होने से परिवर्तन हुआ तो यह संधि है। अब देखिए संधि की परिभाषा, समीपवर्ती ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या है? अब संधि विच्छेद देखिए, संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सुखार्थ, सुख जमा अर्थ। अब संधि के भेद आते हैं स्टूडेंट्स। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो स्वर संधि, और तो स्वर संधि के बारे में आप देखेंगे व्यंजन, नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, और नंबर तीन विसर्ग संधि। आज हम आपको स्वर संधि के बारे में बताएंगे स्टूडेंट। स्वर संधि के भी चार भेद होते हैं। तो ये वो होते हैं दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, बाकी दो संधि के बारे में आपको बाद में बतलाएंगे। इनसे संबंधित जो मैंने आपको क्वेश्चंस लिखने के लिए दिए हैं, आपको उनके आंसर लिखने हैं, साथ साथ उन्हें स्टूडेंट्स याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट।